बात राजस्थान के उदयपुर की भी करेंगे, लेकिन उदयपुर में चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी में मृतक छात्र का अब से कुछ देर पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया। छात्र के पिता और चचेरे भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। इस दौरान मौजूद लोगों ने नारेबाजी भी की। आज सुबह करीब 4:30 बजे मृतक छात्र का शव अस्पताल से उनके घर लाया गया और सुबह करीब 7 बजे मृतक के घर से शव यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अंतिम यात्रा में उदयपुर रेंज IG अजय पाल लांबा के साथ ही प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। ड्रोन से अंतिम संस्कार की निगरानी ली गई। यात्रा के पूरे मार्ग पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। उदयपुर शहर में आज भी नेट को बंद रखा गया है। स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी घोषित की गई है। समाज के नेताओं ने सभी से शांति की अपील की है। आपको याद दिला दें, 16 अगस्त की सुबह स्कूल में ही साथी छात्र ने चाकू मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद से उसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। चाकूबाजी की घटना के बाद से शहर में आगजनी और हिंसा का दौर था। उदयपुर में जो चाकू कांड हुआ, उसमें जिस विद्यार्थी की मौत हुई, आप देखिए उस देवराज की अब शव यात्रा निकल रही है और इस वक्त उदयपुर के शमशान घाट में पहुंची है। बड़ी संख्या में उदयपुर के लोग जो हैं वो इस शव यात्रा में जुड़े हैं। आप देखिए हर वर्ग के लोग इस वक्त जो लोग हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप काउंट करते करते थक जाएंगे जिस प्रकार से इस शव यात्रा में लोग शामिल हुए हैं। ये आप देखिए देवराज का शव लेकर के बस अब शमशान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां उसे अग्निदाह किया जाएगा अंतिम विदाई के लिए। आप देखिए इस वक्त अगर पीछे आप देखें तो बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहां जुटे हैं शव यात्रा में। आप देखिए लोगों के नंबर जो हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। जिस प्रकार से जब ये घटना हुई थी शुक्रवार को और जो सीन देखने को मिले थे उदयपुर में, लोगों का गुस्सा एकदम टूट पड़ा था और आपने देखा होगा जिस प्रकार से उदयपुर में धमाल मचा, जगह जगह लोगों ने आप देखेंगे कि दुकानों को आग लगा दी, कई गाड़ियां तोड़ी, मॉल्स पे अटैक हुए और उसके बाद शहर का पूरा तनाव बिगड़ गया। पिछले 4 दिन से उदयपुर में इंटरनेट भी बंद है, लगातार आप देख सकते हैं कि तनाव बना हुआ है। पूरे शहर को एक तरह से पुलिस ने छावनी में परिवर्तित कर रखा है और यहाँ आप जिस प्रकार से लोग पहुँच रहे हैं ये रिफ्लेक्ट करता है उस रोष को, उस गुस्से को। छोटे बच्चे को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा जो उदयपुर के लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और उनके अंदर एक गुस्सा भी है। बार बार वो आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं और इसीलिए आप देख सकते हैं कि इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाएगा। जिस प्रकार का हमने देखा कल परिवार ने और समाज ने शव को क्लेम करने तक से मना कर दिया था, उसके बाद प्रशासन को काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ी थी, फिर जाकर के एक समाधान हुआ दोनों पक्षों के बीच में और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि अब जो है अंतिम संस्कार पॉसिबल हो पाया है। लेकिन यही अगर आप सोचिए कि ये 3-4 घंटे बाद होता ये अंतिम संस्कार, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़ते, इसमें पूरे शहर का वातावरण भी बिगड़ सकता था और इसीलिए ये सुबह जल्दी करने का फैसला किया गया। और यहाँ आप देखिए अभी भी लोगों का आना जो है वो बदस्तूर जारी है और कहीं ना कहीं ये इस बात का परिचायक है कि लोगों के मन में कितना गुस्सा और जो कि हर व्यक्ति यहाँ पर बयान कर रहा है।